मुनीम जी जी, वो तांगे वाला नहीं आया। तीन तीन चिट्ठियां लिखी मैंने उसे, कितना खर्चा हुआ होगा? 45 पैसे। अबे उल्लू, और 2 पैसे ब्याज नहीं लगाएगा? 45 और 2 48। ठीक है, बहुत नुकसान हुआ। अब और नुकसान नहीं होगा। सेठ जी, डाकू त्रिशूल सिंह जी आ गए हैं। डाकू के बच्चे, हरामजादे, कमीने कुत्ते, तू मुझे फिर से बेवकूफ बनाना चाहता है? लेकिन अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, चल निकल यहाँ से, वरना तेरी बत्ती सी निकाल कर तेरे पेट में घुसा दूंगा। चल यहाँ से। धर्मदास, मुझे मानने की हिम्मत तू सपने में भी नहीं कर सकता। मैं तेरे हाथ पांव तोड़ के तेरे गले में डाल दूंगा। ये क्या कर रहा है तू? बापू बापू, मुझे एक आठाने दे दो ना। चुप। अरे कौन बोला? तू फिर ये कौन है? कौन है बे तू? ये तो डाकू त्रिशूल जी हैं। त्रिशूल। मेरे हाथ पर मत तोड़ना, मुझे माफ कर दो डाकू जी, मुझे माफ कर दो। माल उतरे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है हुजूर। कभी ना, मैं तेरे पैसे लूटने नहीं आया हूँ। मेरे यहाँ क्यों आया हो माय बाप? सुना है तूने अपने बेटे की शादी के लिए दहेज मांगा है? बकरी की तरह मैं क्या कर रहा हूँ? अरे इनकी लेन देन की वजह से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मेरे बड़े भाई की शादी में 10,000 का दहेज मांगा है। मगर मुझे मिला कहाँ माय बाप? मुझे एक पैसा भी मिला होगा तो ना तुझे मिलेगा और ना ही तू मांगेगा। आज से ठीक 4 दिन के बाद बारात लेकर चंदन के घर पहुंच जाना। और शादी का सारा खर्चा भी मेरे बाबू बर्दाश्त करेंगे। अगर तूने कोई गड़बड़ की तो तिजोरी समेत मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। उठा के ले जाएंगे। कब आएंगे आप? बाप के आने की कोई जरूरत नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा बारात लेके। पहुंच जाएंगे।